हाय एवरीवन, वेलकम टू पियालीस किचन। आज की रेसिपी है नो ईस्ट मिनी डोनट। इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही आसानी से बिना ईस्ट के आप बहुत टेस्टी डोनट घर पे ही बना सकते हो। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस कप का 1.5 कप मैदा लिया है। उस मैदे में अभी बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 स्पून का, 1 स्पून, और बेकिंग सोडा 1/4 स्पून। 1/4 स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद 1 कप दही अच्छे से फेंट के धीरे धीरे मैदे के साथ मिलाएंगे। पूरा 1 कप दही एक साथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन 1 कप दही इसमें जाएगा, क्योंकि दही से ही बहुत ही सॉफ्ट एक डो बन के तैयार होगा। धीरे धीरे पूरा दही के साथ मैदे को मिला लेना है और इसका एक सॉफ्ट डो बन के तैयार करना है। शुरू में ये डो बहुत ही स्टिकी होता है, लेकिन घूटते घूटते 10 मिनट के बाद बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एक डो बन के तैयार होता है। डो ऑलमोस्ट बन गई है। अभी हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। देखिए डो कितना सॉफ्ट बना है, थोड़ा स्टिकी भी है, लेकिन और 5 मिनट गूंदने के बाद ये एकदम अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाला था और 1 टेबलस्पून तेल इसमें डालेंगे। अभी देखिए डो बन के तैयार हो गया है। अभी इस डो को हम लोग कम से कम 1/2 आवर के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए रखेंगे। जब तक डो रेस्ट हो रहा है, तब तक 2 टाइप का ग्लेज बना लेंगे। एक बटर के साथ बनाएंगे, इसके लिए 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर लेंगे, और एक बनाएंगे चॉकलेट के साथ। इसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट लिया है और उसके साथ थोड़ा सा बटर दिया है। डार्क चॉकलेट मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अभी 2 टेबलस्पून बटर के साथ 4 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, जो मिक्सी में नॉर्मल शुगर को पीस लेंगे और उसको मिलाएंगे, और 2 टेबलस्पून चॉकलेट के साथ 1 टेबलस्पून शुगर मिलाएंगे। दोनों में ही थोड़ा थोड़ा वैनिला एसेंस डाल देंगे। अभी इसमें गरम दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे, तो हमारा एक ग्लेज तो बनके तैयार हो जाएगा। ये ग्लेज बनके तैयार हो गया है, बहुत आसानी से बन जाती है, और इसको आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो और केक वगैरह या पैनकेक के ऊपर भी डाल सकते हो। बहुत ही टेस्टी होती है ये। अभी चॉकलेट ग्लेज के लिए उसके ऊपर भी 1/2 कप दूध डालेंगे और चॉकलेट गरम दूध के साथ धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा, उसको अच्छे से मिला लेंगे, तो हमारा चॉकलेट ग्लेज भी बन के तैयार हो जाएगा। इसको बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है। देखिए हमारा दोनों टाइप का ग्लेज बन के तैयार हो गया है। अभी हम लोग बनाएंगे डोनट। मैदे का एक बड़ा सा लोई लेके थोड़ा मोटा करके बेल लेंगे। इसके लिए आप चकले के ऊपर थोड़ा तेल भी लगा सकते हो। बेलने के बाद कोई भी कटोरी लेके ऐसे गोल गोल करके काट लेंगे और उसके बीच में कोई भी बॉटल कैप से छोटा सा होल बना लेंगे, तो डोनट का जो शेप है वो बनके तैयार हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको निकालेंगे और उससे फिर से डोनट बना लेंगे। अभी डोनट तलने की बारी है। ऐसे बहुत सॉफ्ट है, इसलिए एक छन्नी के ऊपर रख के इसको डीप फ्राई करना है और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तेल थोड़ा कम गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होने से ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से ये जल सकता है।
तेल में डालने के तुरंत बाद ही ये नीचे चला जाता है। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ये ऊपर फ्लोट करने लगता है। ऐसे धीरे धीरे सारे डोनट को हम लोग तल लेंगे। इसको 3 से 5 मिनट तक तलना है। इसको इससे ज़्यादा तलने से हार्ड हो जाता है। जैसे ये मिनी डोनट है, इसका शेप थोड़ा छोटा है, इसलिए इसको बहुत देर तक तलने की ज़रूरत नहीं होती। ये 3 से 5 मिनट में ही बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन हो जाने के बाद इसको पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद इसको निकाल लेंगे। डोनट बन गया है, अभी इसको निकाल लेंगे। लेकिन इसको टिश्यू पेपर पर नहीं निकालना, तो फिर ये सॉगी हो जाता है। डोनट बनने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, उसको रूम टेम्परेचर में आने देंगे और उसके बाद उसको सर्व करेंगे। डोनट को हम लोग चॉकलेट ग्लेज में भी डालेंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा शुगर का जो डस्ट है वो डाला है, या आप जो नॉर्मल शुगर है उसको भी डाल सकते हैं। हमारा डोनट बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी है और बिना ईस्ट की बनी है और 1 घंटे में बन जाता है। अगर आपको ऐसे ही सिंपल एंड टेस्टी रेसिपीज चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ। बाय बाय।